ये तो ये थी जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने, खिचड़ी और पूरी खत्म हो चुकी है, सब लोगों ने खाया। प्लस हम आए हैं वर्ल्ड फूड इंडिया और आज हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैसे बनाएंगे? 800 किलो की खिचड़ी बनाएंगे और मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आए हैं, इतिहास प्रसिद्ध है और बाकी बहुत सब चीज है। आइए देखते हैं कि कैसे बनती है खिचड़ी और कौन बनाता है। जिस तरह से खिचड़ी बनती है, ये न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन खिचड़ी है और उसके अंदर हमने जो खिचड़ी है बनाई जा रही है, दाल, चावल, बाजरा, ज्वार, रागी, मूंग बीन्स जो हैं वो इसके अंदर है, जो मूंग की दाल छिलके वाली होती है। और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ट्रैवल कंपनी का जो सपोर्ट किया, एलटी फूड्स हमें इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा ये कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया जा रहा है और इसमें हमने छौंक लगाने के बाद में इसको पका के ये सुबह से काम चल रहा है और अब स्टेज पे पहुंचा है कि अभी इसमें करीब आधा घंटा और है फाइनल इसको पकने में और जैसे ही ये रेडी हो जाएगी, आपने देखा भी हमने लास्ट जो इसमें पानी डाला है वो इसको करके फिर इसके अंदर फाइनल टचेस जो होंगे हमारे मेहमानों के साथ में इसमें फाइनल टचेस हम देंगे और उसके बाद में इसको पूरा वे किया जाएगा। ये आप क्रेन पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर स्टील है, क्रेन है, इसको लिया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि आपके सामने एक विश्व स्तर का रिकॉर्ड बनाया जाए। आपकी शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं जानता हूँ कि आप धूप में पेशेंट के साथ में खड़े हुए हैं तो जैसे ही हमारे मेहमान आ जाते हैं हम कार्यक्रम पूरा शुरू करेंगे। सभी शेफ सब इंटरव्यूज दे रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज गुरपुरब भी है तो गुरपुरब के दिन इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है वर्ल्ड फूड इंडिया ने, तो देखिए आप सब, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए शेफ रणबीर बरार, शेफ रणबीर बरार भी है यहाँ पर और ये गुरप्रीत सिंह टिक्कू जी भी आए हैं आज। चलो जी, हमारा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू और आप देख रहे हैं दिल से फूडी। हाँ, हम भी दिल से फूडी हैं, हम भी दिल से खाना खाते हैं। देखिए निकिता भी है यहाँ पे, शेफ हरपाल सिंह सोटी जी भी है यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े शेफ आए हैं। लेजेंड शेफ इम्तियाज कुरैशी जी, जी
हिले मत प्लीज प्लीज यहाँ लोग चले ना बिल्कुल भी दिस इज खिचड़ी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो गाइस जब मैं पॉज बोलूंगा ना व्हेन आई से पॉज उसके बाद कोई नहीं हिलेगा अपनी अपनी जगह से प्लीज रिक्वेस्ट है ओके पीछे में चलो आप प्लीज अब कोई नहीं हिलेगा प्लीज जब तक गाइस कैमरा हो या कुछ भी हो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल इन्होंने बड़े प्यार से पानी के साथ हमने पहले किया क्योंकि पानी ज्यादा झूलता है प्लीज क्लियर द एरिया सो टोटल वेट कितना है अभी थोड़ी देर में बताएंगे और वेट हो चुका है उसमें से माइनस करेंगे हम कढ़ाई के वेट और फिर एक्चुअल पता चलेगा कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है टोटल कितने केजीज की खिचड़ी बनाई है कैलकुलेट करा गया कि इसमें कितना पानी टॉप तक आएगा उस हिसाब से हमने सोचा कि कितना लेवल तक हम इसमें सॉलिड फूड डाल सकते हैं तो कैलकुलेशन करी कैलकुलेशन करने के बाद अंडरस्टैंड करा कि ओके लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ यू नो खाना इसमें जा सकता है फिर हमने बैकवर्ड वर्किंग शुरू करी तो बेसिक खिचड़ी की रेसिपी को उठाया उसको मल्टीप्लाई करा बाय 200 एंड इसका मतलब है कि अंदर से गर्म होती है बाहर से होती है प्लस इसमें यूनिफॉर्म हीट आती है सब तरफ से एंड वेस्ट से तो व्हाट हैपेंस इज खिचड़ी सब तरफ से यूनिफॉर्म या कोई भी खाना बनाएंगे वो यूनिफॉर्मली कुक होगा ना कि सिर्फ वेस्ट सो वो करा उसके बाद क्योंकि इंडिया गेट है एंड इट्स अ हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया यू कैन नॉट यूज फायर और फ्लेमेबल यू नो थिंग्स है सो वी हैव टू इंस्टॉल अ इलेक्ट्रिक बॉयलर है जो जिससे स्टीम बनती है सो स्टीम बनती है करीब 7 kg तक एंड देन द स्टीम इज पास ऑल द वे थ्रू द इंसुलेटेड स्टीम पाइप विच इज अराउंड 150 feet फार फ्रॉम हियर एंड देन दिस स्टीम इज पावर्ड इन टू द केटल सो केटल में करीब 5 kg तक स्टीम जाती है एंड देन द स्टीम हीट्स द केटल सो अराउंड हमने जब इसका टेस्ट करा तो देखा कि 45 मिनट्स में पानी गर्म होता है पूरा फुल लेवल तक करीब 100 degrees Celsius तक अच्छा और कितना हाउ मच डिड यू फाइनली वेट कितना निकला सो फाइनल वेट अभी वी जेट टू अनाउंस वी जस्ट वेटिंग फॉर द गिनीज टू डिक्लेयर इट एज पर देयर नॉर्म सो वी हैव टू जस्ट वेट अच्छा दूसरी बात खिचड़ी पूरे सब कॉन्टिनेंट में खाई जाती है इट्स नॉट जस्ट इंडियन फूड पूरे साउथ एशिया को अगर आप देखें क्या डिफरेंस होता है इंडियन खिचड़ी में और बाकी जो अगर आप आसपास के रीजन को देखें पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान फॉर दैट मैटर सो बेसिकली क्या है देखिए आप अगर आप नोट करेंगे कि दाल और चावल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड के किसी पार्ट में आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू टॉक अबाउट इटालियन क्यूजीन तो उनके पास रिजोटो है विद लेंटिल्स तो चावल और दाल ही है और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे पोंगल भी है और साथ ही साथ खिचड़ी भी है अलग अलग स्टेट्स का अपने अपने खाने हैं सो आई थिंक अभी मैं कुछ दिनों से देख भी रहा हूँ कि आई मीन लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि यही क्यों यही डिश क्यों आई थिंक वी एज यू नो इंडियंस और वी एज नेशन और वी एज वर्ल्ड फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज हैव टू कम टूगेदर and enjoy this emotion kyunki it's the value of the dish which we are presenting to the world it's a gift from india to the world we all i think should respect it and we should you know celebrate this moment it's a pride for us ye to ye thi jo humne world record banaya india ne khichdi aur puri khatam ho chuki hai sab logon ne khaya plus kuch khichdi gurdwara hi gayi hai alag alag jo bhi sanstha thi un wo leke gaye hain ताकि और भी लोगों में बांट सके यहाँ पर भी जितने लोग थे सबने खाई ये मिस नेहा है इनसे पूछते हैं कि किस ये इवेंट एक्चुअली था क्या
और ये किन किन शेफ का मेन इसमें रोल था, क्या था, तो आप बताइए प्लीज। सो बेसिकली वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा इवेंट था जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से और शेफ संजीव कपूर की तरफ से इनिशिएट किया गया है। और इसके अंदर जो हमने एफर्ट डाला है, जो संजीव कपूर की टीम ने अंडर बहुत सारे शेफ हैं जैसे सेलिब्रिटी शेफ अक्षय नैयर, रणदीप बराल, हरपाल जी, इम्तियाज कुरैशी जी, इन सब ने मिल के आई थिंक एक एफर्ट लिया है जो उन्होंने मोर देन 800 केजीज खिचड़ी बनाने का एक बिजनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उन्होंने कोशिश की है। और वो कोशिश कितनी कामयाब होगी वो हम लाइक यू नो थोड़ी देर में सबको पता चल ही जाएगा। और आई थिंक इंडिया है विनिंग बनती है और आई थिंक इससे ज्यादा ऐतिहासिक मूवमेंट इंडिया के लिए नहीं हो सकता। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि वो जो वेसल है जिसमें और जो कढ़ाई है जिसमें वो बनाया गया था इट इज ह्यूज। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा था। सबसे अच्छी बात इस खिचड़ी के पीछे जो भावना थी वो बहुत अच्छी थी कि ये जो खिचड़ी है वो अक्षय पात्रा फाउंडेशन और आई थिंक दिल्ली लंगर सेवा समिति के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अंडर प्रिविलेज की तरफ। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई और मैं इसको देख पाई। Thank you so much. And we all are eagerly waiting. The whole of India is looking forward to the result with bated breath. And we are keeping our fingers crossed. We want to know. A lot of hard work has been put in. So bated breath, we are hoping. So all of you pray that we get it. We get to meet the expectation. Let's see, we have the attempt that we have made, whether we succeeded or not. So, with that, chef, whether we succeeded or not, let's give this khichdi temple a round of applause. Come on. A lot of hard work made in there. Lot of hard work. Months and months of hard work. मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। क्या लगता है कितने किलो थी? 801 किलो 920 किलो 920 901 920 800 920 919 Now they are guessing the weight. 850 909 तो पहले तो ऐसा होता है एग्जाम में पहले पास होते हैं फिर उसके बाद में आता है कि डिस्टिंक्शन आई नहीं आई। ओके यहाँ पे ऐसा है क्योंकि इसमें सिर्फ किलो का हिसाब नहीं और बहुत सारी चीजें हैं। सो आई थिंक विदाउट बोलिंग थैंक यू संजीव। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर ऑन बिहाफ ऑफ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल ऑफ द लार्जेस्ट सर्विंग ऑफ बीन्स एंड राइस व्हिच इन दिस केस सर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ खिचड़ी। The minimum requirement to get this record is 500 kilograms. We've done the weighing process, and because of the complexity of this record, we're still waiting on a few pieces of evidence, but for the time being, I'm happy to announce that this is a new Guinness World Records title, weighing 918 kilograms. India, it gives me great pleasure to announce that you're new Guinness World Records title holders. You are. Thank you. So this, oh wow. Huge round of applause, guys. Wow.